श्री गणेशाय नमः। बरसात अमावस की कहानी। एक राजा था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तब वह बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर बोला कि मेरी कोई संतान नहीं है, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरी संतान हो जाए। पंडित बोले कि आपकी संतान तो एक कन्या लिखी है, पर वह 12 वर्ष में ही विधवा हो जाएगी। तब राजा बोला कि संतान तो होनी चाहिए, चाहे वह विधवा हो जाए, मेरा निसंतान नाम तो नहीं रहेगा। फिर राजा ने खूब यज्ञ होम करवाए। तब पंडित बोला कि जब कन्या जन्म लेगी, उस दिन से जब वह 12 वर्ष की हो जाएगी, उस दिन विधवा का योग पड़ रहा है, इसलिए आप लड़की से पार्वती जी की और बरसात अमावस की पूजा करवाइए। फिर राजा ने यज्ञ होम करवाए, जिसके फलस्वरूप उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। राजा के घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री हर साल बरसात अमावस और पार्वती जी की पूजा करती थी। जब सावित्री बड़ी हो गई, तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया। सावित्री के सास ससुर दोनों नेत्रहीन थे, वह उनकी बहुत सेवा किया करती थी। सत्यवान जंगल से लकड़ी काट कर लाया करता था। सावित्री को मालूम था कि जिस दिन वह 12 वर्ष की हो जाएगी, उस दिन उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन 12 वर्ष पूरे हुए, उस दिन सावित्री अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर वह सत्यवान के साथ चली गई। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी काटने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था, उस सांप ने उसे डस लिया और सत्यवान की मृत्यु हो गई। सावित्री अपने पति का सिर गोदी में रखकर विलाप करने लगी। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी वहां से जा रहे थे। तब सावित्री ने उनके पैर पकड़ लिए और प्रार्थना करी कि मेरे पति को जीवित कर दो। शंकर पार्वती जी बोले कि आज बरसात अमावस है, अगर तू बड़ की पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। तब वह बड़े प्रेम से बड़ की पूजा करी और पत्तों के गहने बनाकर पहन ली। गहने हीरे मोती के हो गए। तब यमराज आकर उसके पति को ले जाने लगे। तब वह उनके पैर पकड़ ली। तब यमराज बोले कि वरदान मांग। तब सावित्री ने 3 वरदान मांगे। वह बोली कि मेरे माँ बाप को पुत्र नहीं है। तब यमराज ने कहा तथास्तु। तब वह अपने सास ससुर के आँखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। तब यमराज ने तथास्तु कहा। फिर उसने सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांगा। यमराज ने वरदान दे दिया। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री बोली कि आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार बन सकती हूँ। यमराज बोले कि तेरा सुहाग तो नहीं था, पर बरसात अमावस और पार्वती जी की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो गया। तभी से सभी लोग जेठ माह की अमावस को बड़ की पूजा करने लगे और उसके पत्तों के गहने बनाकर पहनने लगे। हे भगवान, जैसे सावित्री को सुहाग दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को देना, हमें भी देना। बोलिए महादेव पार्वती जी की जय।